आज हम ये 0 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। देखिए ये बहुत ही इजी है और ये हैट भी छोटी सी, ये भी बहुत इजी है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, 15 चेन बनाएंगे 15। अब देखिए एक दो तीन चेन स्किप करेंगे, एक दो तीन चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाली चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, मगर ये डबल क्रोशे हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटा लेंगे। देखिए और नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए लूप ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटा लेंगे, क्योंकि हम 0 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में हम हर चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, सभी चेनों में इस तरह से छोटा छोटा, तो सभी में बनाते जाते हैं। देखिए इस तरह से हमने सभी चेनों में डबल क्रोशे बना लिए, और जो स्टार्टिंग में 3 चेन स्किप करी थी इसको भी हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो टोटल 13 डबल क्रोशे हो गए इस राउंड में हमारे पास। नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। तो अब देखिए जो ये वाली चेन है नेक्स्ट, उसमें एक डबल क्रोशे और इसी में एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। जो 3 चेन है ये भी एक डबल क्रोशे काउंट होगी। तो इस वाले राउंड में हम हर चेन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से बनाते जाएंगे। फर्स्ट में हमने एक डबल क्रोशे बनाया है। देखिए अब जो लास्ट में ये वाली जो सबसे ऊपर चेन है इसमें क्रोशियों को डालेंगे, जो 3 चेन हमने बनाई थी स्टार्टिंग में, सबसे ऊपर वाली चेन में डाला, एक डबल क्रोशे बनाया, तो लास्ट में हमने एक डबल क्रोशे बनाया, फर्स्ट और लास्ट में एक बनाया, बाकी सब में 2 डबल क्रोशे बनाए। तो हम काउंट करेंगे तो इसको टोटल 1 2 3 4 ऐसे 24 डबल क्रोशे होंगे इस राउंड में हमारे पास। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए 1 2 और ये 3 चेन बबनाएंगे, टर्न करेंगे, 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा। नेक्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे हो गए इसके नेक्स्ट वाले में, 3 डबल क्रोशे हो गए इसके नेक्स्ट वाले में, 4 डबल क्रोशे हो गए हमारे पास, टोटल 4 डबल क्रोशे हो गए। ये फर्स्ट बाजू निकला हमारे यहाँ से। अब देखिए 1 2 3 4 चेन स्किप करी, फिफ्थ वाले में हमने एक डबल क्रोशे बनाया, इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाया। नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशे बनाया, 2 डबल क्रोशे इस तरह, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे बनाया, 3 4 8 चेन में 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, 5 6 7 और ये 8 8 डबल क्रोशे हमने बनाया इस तरह। देखिए अब 1 2 3 4 चेन स्किप करी, फिफ्थ वाले में हमने फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिफ्थ वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1। नेक्स्ट दूसरे बाजू के लिए 2, देखिए 3 और लास्ट में ये वाली जो 3 चेन है उसमें सबसे ऊपर वाली चेन में 4, तो 4 डबल क्रोशे इस तरह से। देखिए ये हमारा ऐसे बना, ये देखिए, तो ये छोटी सी चोली बन गई हमारी गोपाल जी की, 0 नंबर के गोपाल जी की, इस तरह से, ये देखिए ऐसे। देखिए अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे पैटर्न को अपने। अब जो ये है जॉइन करेंगे चोली थर्ड वाली चेन में, जो सबसे ऊपर है, जो फर्स्ट हमारी, जो देखिए सबसे ऊपर जो है उसके थर्ड वाली चेन में, इस तरह से स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम घेर बनाना चालू करेंगे। तो 1 2 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगी, नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे,
और एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे हो गए इसमें, और इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, और अगले वाले में दो डबल क्रोशे, एक और ये दो डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हमारे पास फर्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशे, एक में दो डबल क्रोशे। तो देखिए, और ये जो हमारी चोली में टोटल देखिए, यहाँ पर एट डबल क्रोशे थे, यहाँ पे चार और चार आठ, आठ और आठ टोटल 16। इस राउंड में हमारे पास 16 डबल क्रोशे थे। तो अब नेक्स्ट राउंड में हम एक चैन में एक और दूसरे में दो डबल क्रोशे इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये राउंड बना घेर। अब देखिए इस राउंड में हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशे हैं। अब लास्ट में ये थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। देखिए ऐसे। अब एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे। देखिए तीन चेन बनाई, उसके बाद तीन चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा। नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, और उससे नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में हम देखिए फर्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड वाली चेन में दो डबल क्रोशे करेंगे, थर्ड वाली चेन में हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे हर थर्ड चेन में दो डबल क्रोशे। तो ये राउंड इस तरह से कंप्लीट करते जाते हैं, फर्स्ट सेकंड में एक थर्ड में दो। देखिए इस तरह से ये राउंड बना। अब नेक्स्ट हम देखिए थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बनाइए। अब देखिए एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे, और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे, ये तीन चेन में एक डबल क्रोशे, तो नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशे। देखिए एक दो तीन डबल क्रोशे हो गए। अब फोर्थ वाली चेन में हम देखिए एक डबल क्रोशे और इसी में एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर फोर्थ चेन में इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट में एक डबल क्रोशे, सेकंड में एक डबल क्रोशे, थर्ड में एक डबल क्रोशे, और ये फोर्थ में दो डबल क्रोशे, एक और ये दो डबल क्रोशे। इस तरह से ये बनाते जाएंगे हम एंड तक, हर फोर्थ चेन में दो डबल क्रोशे, फोर्थ में इंक्रीज करेंगे। देखिए इस तरह से ये बना राउंड हमारा। अब देखिए लास्ट में ये जो तीन चेन है उसमें से थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और एक चेन बनाएंगे। चेन चाहे तो आप अगर अपने ये जो घेर है और बढ़ा सकते हो, एक राउंड और बना सकते हो इस तरह से। देखिए अब एक चेन बना के हम अपने थ्रेड को कट कर लेंगे यहाँ से, और इसे निकाल लेंगे। अगर आपको एक थोड़ा घेर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से देखिए एक राउंड आप और बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने जैसे हर फोर्थ चैन में दो डबल क्रोशे बनाए थे, तो नेक्स्ट राउंड में आप हर फिफ्थ चैन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले फोर में एक एक डबल क्रोशे और पांचवी चेन में दो डबल क्रोशे, इस तरह से हम घेर इंक्रीज करेंगे, तो ये घेर अच्छा बनेगा। देखिए अब सुई की हेल्प से इसमें देखिए बैक साइड में जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है लूप में डालते हुए हाइड कर लेंगे। इससे जो है हमारी थ्रेड निकलेगी भी नहीं और दिखाई भी नहीं देगी, हमारा पैटर्न सिक्योर रहेगा। तो आप ये क्रोशे हुक से भी कर सकते हैं इस तरह से, देखिए लूप्स में डाल के। और अच्छी थ्रेड को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बना। अब देखिए एक दूसरे कलर की वूल लेंगे थ्रेड, स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह। अब अपने पैटर्न को पकड़ेंगे, देखिए कहीं से भी जो चेन है इसमें क्रोशे को डालेंगे किसी भी चेन में। अब ये स्लिप नॉट डाल के चेन बनाते हुए थ्रेड अपने थ्रेड को अटैच करेंगे, फिर दो चेन बनाएंगे। अब देखिए इसी वाली चेन में सेम
एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, सेम दो डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे इस जगह पे बनाएंगे। इस तरह से तीन डबल क्रोशे हो गए। अब देखिए नेक्स्ट में हम एक दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली जो चेन है थर्ड में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और यहीं पे देखिए फिर हम एक और ये दो चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे और ये तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। तीन डबल क्रोशे बनाने के बाद देखिए एक दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह, तो ये हम बॉर्डर बनाते जाएंगे इसका इस तरह। फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे और देखिए इसी वाली जगह पे फिर से हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो और ये तीन डबल क्रोशे। अब यहाँ से एक चेन स्किप करेंगे दो, और ये थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, तो इस तरह से ये पूरे राउंड के एंड तक बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी बॉर्डर बनी पैटर्न, बहुत ही इजी पैटर्न है ये। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक दो तीन चेन बच गई, हमें थर्ड में डालनी होती है। अगर हमारे पास कम ज़्यादा चेन होती, अगर दो होती तो भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते, अगर चार हैं तो भी कम ज़्यादा, जैसे दो की जगह हमने तीसरे चेन में डाल लिया या फोर्थ चेन में डाल लिया। तो अब हमारे पास तीन है तो तीनों को स्किप करेंगे, हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये देखिए फोर्थ वाली चेन में जो ये बना हुआ पैटर्न, इसी में हम अपने ये क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से पैटर्न को ज्वाइन कर लेंगे। और एक चेन बनाते हुए कट करेंगे थ्रेड को। देखिए एक दो चेन कम ज़्यादा हो जाएँ तो एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डिज़ाइन में। इसको क्रोशियो की या सुई की हेल्प से हाइड कर लेंगे तो एक्स्ट्रा थ्रेड को। तो देखिए इस तरह से हमारा जो है छोटी सी जीरो नंबर के गोपाल जी की पोशाक देखिए इस तरह बनी। देखिए अब इसका बॉर्डर बनाएंगे आउटलाइन। तो इसमें देखिए ये जो डबल क्रोशे इसके बीच में इस तरह से लूप जो भी मिले क्रोशियो को डालेंगे और अपनी जो थ्रेड है उसको भी अटैच करेंगे। देखिए इसके साथ ऐसे एक चेन बनाते हुए थ्रेड को अटैच करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो लूप में हमें जो भी ये देखिए डबल क्रोशे के बीच में हम डालेंगे इस तरह, जो भी लूप मिलेगा सिंगल क्रोशे करते जाएंगे इस तरह। नेक्स्ट चेन मिले तो चेन में डालेंगे और लूप मिले तो लूप में। अब तीन चेन वाला है ये डबल क्रोशे, तो इसके बीच में भी हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे इस तरह, आउटलाइन करते जाएंगे इसमें इस तरह से। ये देखिए इस तरह, यहाँ पे देखिए इस तरह जो ये कॉर्नर वाला लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशे फिर एक चेन और इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे, क्योंकि यहाँ से टर्न लेना है हमें। अब देखिए जो नेक लाइन में आ गए हम, नेक लाइन में देखिए देखिए इस तरह से ये बनाया। अब नेक लाइन में देखिए हर चेन में हम ये देखिए इस तरह से डाल के ये स्लिप स्टिच करते जाएंगे इस तरह, हर चेन में डालेंगे स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे। ये देखिए जो भी हमें लूप है इसमें सभी में इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम आ गए कॉर्नर में, देखिए इस तरह से ये स्लिप स्टिच की हमने कॉर्नर में आए, तो कॉर्नर वाली जगह पे यहाँ पे डालेंगे। देखिए कॉर्नर में आने के बाद देखिए इसमें
सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और यहीं पे सिंगल क्रोशे करेंगे टर्न वाली जगह पे। फिर नेक्स्ट जो लूप मिलेगा हम उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हम देखिए, ये देखिए ऐसे ये पूरा एंड यहाँ तक बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये बना लिया यहाँ से ऐसे। तो ये देखिए, ये 0 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है। ये बहुत ही इजी है और सिंपल भी है। यहाँ पे आप क्रोशे हुक से क्रोशे की डोर बना के भी लगा सकते हैं या चिट बटन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये बनाया। देखिए अब हम इसकी कैप बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक नॉट बनाएंगे। अब 1, 2, 3 और ये 4 चेन बनाएंगे, और जो फर्स्ट वाली चेन है क्रोशे हुक को इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये छोटी सी रिंग बन गई है। इस तरह से देखिए छोटी सी रिंग बन गई है। तो अब 1, 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब देखिए इस जो ये रिंग के अंदर क्रोशे को डालेंगे, देखिए एक डबल क्रोशे करेंगे। तो ये 3 चेन एक डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे हो गए हमारे पास, 3, 4। इस तरह से हम टोटल 10 डबल क्रोशे करेंगे, 10। ये देखिए इस तरह से जो थ्रेड है इसको भी साथ साथ बुन लेंगे ताकि ये हाइट हो जाए। ये 9 डबल क्रोशे और ये 10। ये देखिए 10 हो गए, 10 डबल क्रोशे हो गए। अब जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी ना, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो थर्ड जो सबसे ऊपर वाली चेन है इसमें क्रोशियो को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब ये जो थ्रेड है इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि ये हमारी जो है अब निकलेगी नहीं। देखिए इस तरह से फिर हम 1 और ये 2 चेन बनाएंगे इस तरह से। चेन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरह। उससे नेक्स्ट वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरह। तो हम इस राउंड में सभी चेनों में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। देखिए ये देखिए 10 चेनों में 10 हाफ डबल क्रोशे इस तरह से। 3 लूपों को एक साथ निकालेंगे तो ये राउंड बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह हमने सभी में हाफ डबल क्रोशे कर लिए। अब जो 10 डबल क्रोशे सभी चेनों में हाफ, तो देखिए अब जो 2 चेन बनाई थी उसमें से सेकेंड वाली जो चेन है उसमें क्रोशे हुक डालेंगे और इसको जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरह। अब देखिए ये ऐसे बनी। अब हम यहाँ पे 1 और ये 2 चेन और ले लेंगे। अब देखिए 2 राउंड बन गए। तीसरे राउंड में भी हम हर चेन में ये देखिए 3 लूपों को एक साथ निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशे हर चेन में बनाएंगे। देखिए 10 हाफ डबल क्रोशे 10 चेनों के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। तो ये बनाते जाते हैं। देखिए इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशे सभी चेनों में बनाते जाएंगे। अब ये लास्ट देखिए इस तरह। अब जो ये स्टार्टिंग में ये देखिए इस तरह से टोपा बना, ये देखिए छोटा सा। अब लास्ट में जो हमने 2 चेन बनाई है ना, जो फर्स्ट में हमने 2 चेन बनाई है, तो उसमें से फर्स्ट और ये सेकंड वाली जो चेन है क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद जुड़ गई हमारी, और यहीं से हम अपने चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे। देखिए तो ये देखिए एक टोपा बन गया छोटा सा। अब देखिए देखिए अब जो ये हमारे पास
ये जो हमें थ्रेड कट करी थी इसको सुई डाल के अंदर के साइड, हम सुई डाल के अंदर के साइड जो लूप्स हैं उसमें हाइड कर लेंगे जो कट की हुई थ्रेड है एक्स्ट्रा, जिससे ये निकले भी ना और दिखे भी ना। तो इस तरह से आप चाहे तो क्रोशे हुक के हेल्प से भी डाल सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं। अब जो बची हुई थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। अब देखिए एक स्लिप नॉट बनाते हुए, एक नॉट बनाते हुए कैप को पकड़ेंगे। देखिए इसमें से किसी भी चेन में हम क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह, और स्लिप नॉट को भी ऐसे, और अटैच करेंगे थ्रेड को एक चेन बनाते हुए। एक, दो और ये तीन चेन बनाई। ये तीन चेन भी एक डबल क्रोशे काउंट होगा। तो इसी वाली चेन में हम सेम जगह पे एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। दो डबल क्रोशे हो गए हमारे पास, और ये तीन, तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये धागा जो है साथ साथ बुन लेंगे, देखिए। और नेक्स्ट वाली चेन में भी हम एक डबल क्रोशे, इसी में दो और इसी में तीन डबल क्रोशे बना लेंगे, तीन डबल क्रोशे। तो इसके नेक्स्ट वाली में भी, तो इस राउंड में हम देखिए जो हैट है, इस राउंड में हम हर चेन में तीन तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, दो और ये तीन। देखिए इस तरह से ये धागा भी हाइड हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं। तो ये इस तरह से बनाते जाएंगे सभी चेन्स में। देखिए इस तरह से हमने हर चेन में तीन तीन डबल क्रोशे बनाए। अब लास्ट वाली जो चेन है उसमें भी देखिए तीन डबल क्रोशे बना लेते हैं। एक, दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशे बना लिए। अब देखिए सभी में हमने तीन डबल क्रोशे बनाए। अब जो हमने स्टार्टिंग में थ्री चेन्स बनाई थी उसमें से फर्स्ट सेकेंड जो थर्ड वाली चेन है उसमें देखिए जो थर्ड वाली चेन है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे क्रोशियो को डाल के और जोड़ लेंगे इस तरह से, और एक चेन बनाएंगे और अपने पैटर्न को कट कर लेंगे थोड़ा सा लंबा, ताकि हम सुई की हेल्प से एक्स्ट्रा थ्रेड को लूप्स में डाल के हाइड कर सकें। तो देखिए इस तरह से ये हमारी हेड बन गई। ये देखिए छोटी सी जो ये है ज़ीरो नंबर के गोपाल जी के लिए, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे। देखिए जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको सुई में डाल के बैक साइड में देखिए इस तरह से लूप्स में डाल के हाइड करेंगे, जिससे हमारी थ्रेड दिखाई ना दे और निकले भी ना इस तरह। और बची हुई जो थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारी ये प्यारी सी हेड बनी जीरो नंबर के गोपाल जी के लिए, और ये ड्रेस इस तरह से देखिए। देखिए ड्रेस बहुत ही इजी है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है, और आप भी इसे अपने गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। देखिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।